तो आप सभी का नमस्कार। आज स्पाइस मनी चर्चा पर हमारे साथ है चमेली रॉय, जो कि हमारी कैश कलेक्शन सर्विस की राष्ट्र रत्न विरन रह चुकी है 2021-22 की। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप ये बताएं कि आप किस लोकेशन से हैं और किस जगह से हैं। मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ और मेरा जो लोकेशन है वो है भुवन। राजस्थान से है मैम। थोड़ा सा आपके एंड पर इंटरनेट का इशू है, बट कोई बात नहीं। अभी अभी ठीक है मैम, अभी ठीक है। मैम, स्पाइस मनी से आपको कितना समय हो गया और किसने जोड़ा? स्पाइस मनी से मेरे साथ में काम करते हुए 2015 से मैं कर रही हूँ। जी। मतलब ऐसे ही हमने जो है ना, हमारे पास में कोई आए थे आपके वहां से स्पाइस मनी से, तो उन्होंने हमें बताया था किसके साथ काम करने के लिए। तब मैं 2015 से काम कर रही हूँ कंपनी के मतलब साथ। आप एक ढंग से शुरुआत से ही हैं स्पाइस के साथ। जो स्पाइस मनी की आप नारी अधिकारी शुरुआत से हैं और 2015 में आप कनेक्ट हुए थे। मैम, करीबन कितने ग्राहक आपकी दुकान पर आ जाते हैं एक दिन मेरे में? तो मैम आ जाते 100-150 के आसपास आते हैं डेली का, 100 से 150। 100 से 150 लोग आपके यहाँ आ जाते हैं? जी हाँ बहुत ही बढ़िया है मैम। और करीबन आपकी ऑन एन एवरेज कमाई कितनी हो जाती है महीने की अगर हम ले तो? एवरेज समझ लीजिए 30-35 हज़ार। अच्छा, 30 से 35 हज़ार आराम से हो जाती है। मैम, आप अकेले चला रही हैं या आप किसी के साथ स्पाइस मनी के काउंटर को चला रही हैं? नहीं, मेरे पास में तो जो दूसरे भी और भी काम है, मतलब स्पाइस मनी से जो मैं इनकम कर लेती हूँ मैं उसके बारे में बताई बस। जी। बाकी तो भी तो चीज है, उससे भी और होता है कमाई वगैरह। जी। नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं कि सबसे ज्यादा ऑब्वियसली आप कैश कलेक्शन सर्विस, CMS सर्विस भी हमारे यहाँ बोली जाती है। आप राष्ट्र रत्न विनर रह चुके हैं 21-22 की, तो सबसे ज्यादा बिल्कुल कह सकते हैं कि आपने वही सर्विस सबसे ज्यादा यूज भी करती होंगी। थोड़ा सा सर मैम कैश कलेक्शन के बारे में समझाएं, जैसे कोई एक आम आदमी है स्पाइस मनी के प्लेटफॉर्म पर कैश कलेक्शन सुविधा क्या है, कैसे उसको यूज करते हैं, उसके बारे में बताएं। एक्चुअली मेरे पास में जो कस्टमर आते हैं, जी कस्टमर भी आते हैं और एजेंट भी आते हैं। जी कस्टमर मीन जैसे मान लीजिए बहुत सारे कस्टमर है जिन्होंने जैसे 2-व्हीलर लिया है या क्रेडिट कार्ड लिया है, किसी कारण बस उन्होंने जमा नहीं कर पाए, तो फिर वो हमारे पास में आके जो है ना डिपोजिट करवाते हैं। और दूसरा जो है ना होता है एजेंट, तो उनका भी वही, उन्होंने भी जो है ना जैसे किसी ने 2-व्हीलर लिया है या तो किसी ने क्रेडिट कार्ड लिया है या किसी ने जैसे ग्रुप लोन होता है तो ग्रुप लोन भी लिया है, तो उनका भी जो है जैसे लोन वगैरह जो होता है, जो किस्त होता है, तो वो हमारे पास में जमा कराने आते हैं, चाहे वो एजेंट भी हो चाहे कस्टमर भी हो। तो डायरेक्ट कस्टमर्स भी आते हैं और कंपनीज के एजेंट्स भी आपके पास कैश डिपॉजिट कराने आते हैं, कैश कलेक्शन सुविधा का उपयोग करने आते हैं। उदाहरण के लिए कौन कौन से मैम कैश कलेक्शन की सर्विसेज के पार्टनर्स के लोग आते हैं? मेरे पास में तो जो है ना ज्यादा आते हैं बजाज, जाना, उसके बाद में थानी, मतलब इस 3-4 कंपनी है जिसका जो है ना मेरे पास में ज्यादा आते हैं। आपके पास बजाज, जाना और आपने तीसरा क्या बोला मैम? थानी के भी ज्यादा आते हैं। मैम, कुछ खास बातें जो कैश कलेक्शन सर्विस को यूज करते हुए आप बताना चाहेंगी कि लोगों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए बारे में? ध्यान तो रखना चाहिए कि वो जो है ना, एक तो क्या कि कोई भी चीज, कोई भी मतलब पेमेंट डिपॉजिट कराने के टाइम में अच्छा से ध्यान रखना चाहिए कि उसको दो बार मतलब एक बार चेक कर लेना चाहिए अच्छी तरह से कि उन्होंने सही डिपॉजिट कर रहे हैं कि नहीं। बहुत सा टाइम होता है कि जो है ना जैसे CMS में होता है कि जो है ना उसका अमाउंट हमें हाथ से डालना पड़ता है, वो जो है ना ऑटोमेटिक नहीं आता है, तो उसको अच्छा प्रॉपरली हमें खुद से डालना पड़ता है और हमें चेक भी करना पड़ता है कि ऐसा जी नहीं कि 1,000 जमा करना है उसके जगह पे 1 0 ज्यादा हो गया तो 10,000 जमा हो गया, तो जी फिर जो है ना अपना ही नुकसान होगा। जी 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 तो जी ये मतलब ये चीज में ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, और मोबाइल नंबर भी उनका ही कस्टमर का ही लेना चाहिए ताकि उनके पास में OTP भी चला जाए और एक बार के जमा करते के टाइम जो है ना वो चेक भी कर ले, रीचेक भी कर ले कि जो है ना जो नहीं जो अमाउंट है वही अमाउंट जमा हो रहा है, इससे ना ज्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है, तो इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा। जी। मैम, कुछ फायदे कैश कलेक्शन सर्विस के कुछ बताना चाहेंगी? फायदे तो है ही, फायदे है तो ही जो है ना मुझे कमाई हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, इसलिए मैं ज्यादा कर रही हूँ उसके ऊपर, कमीशन तो अच्छा कमीशन है, अच्छा है। कमीशन अच्छा है। मैम, और आप ट्रांजैक्शन जब भी करती हैं तो उसकी रिसिप्ट देती हैं ग्राहकों को? हाँ, रिसीप्ट देती हूँ, ट्रांजेक्शन रिसीप्ट देती हूँ कस्टमर को। ट्रांजेक्शन रिसीट आप हमेशा देती हैं। और हाँ करीबन मैम कितना कमीशन आप ऑन एन एवरेज कमा लेती हैं? मतलब हर एक का अलग अलग है पार्टनर्स का, तो का अलग अलग तो मैंने कभी उतना देखा नहीं,
लेकिन मतलब जैसे मैंने बोला 30-35 के आसपास मैं कमा लेती हूँ। कितना कमा लेती हैं? जी। आवाज नहीं आई। हाँ कोई बात नहीं मैम, मैं कह रही हूँ कोई भी संदेश आप स्पाइस मनी अधिकारियों को देना चाहे, पूरे नेटवर्क को देना चाहे आप। जी मैम, जो है ना मुझे तो स्पाइस मनी से काम करते हुए इतना टाइम हो गया है, मुझे तो मतलब बहुत अच्छा ही लगा है। इनके हर सर्विस भी अच्छा है, कुछ भी है, और इनके जो भी ऊपर में लेवल में भी है, ये लोग भी मतलब बहुत कोऑपरेटिव करते हैं सब कुछ में। कोई भी चीज समझ में नहीं आए, कुछ भी आए, तो ये लोग उनसे पूछने से जो है ना बताते भी है। कभी कोई चीज का प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए एक चीज अगर डबल भी जमा हो गया या कुछ भी हो गया, तो उनको बोलने से 2-3 दिन में जो है ना इनका रिवर्ट भी आ जाता है मेरे पास में। अच्छा, मतलब बहुत अच्छा है, इसीलिए तो अच्छा है, तो इसीलिए इतना टाइम से तो मैं काम कर रही हूँ। सही बात है। वैसे आपने कुछ और कभी भी यूज किए हैं, कोई और प्लेटफॉर्म भी? नहीं, और भी किया है, लेकिन मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा। यही ज्यादा अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है मैम। आपका विश्वास बना हुआ है, आप मेरे ख्याल से 2015 से हैं, तो बिल्कुल शुरू के फेज में स्पाइस मनी के साथ। मैम लास्ट प्रश्न, CMS के अलावा भी कोई सर्विस यूज करते हैं? हाँ, इसके अलावा भी तो जो है ना जैसे FPS हुआ, मनी ट्रांसफर हुआ, फिर रेलवे का ID है। अच्छा, ID भी रखते हैं रेलवे की, तो आप बुकिंग करते हैं? हाँ, ट्रेन का टिकट भी बुक करती हूँ। तो अभी अभी मतलब साल दो साल हुआ आए, इससे पहले तो FPS मनी ट्रांसफर ये सब काम ही ज्यादा होता था, और रेलवे टिकट बुकिंग। जी जी, बहुत ही अच्छा है। हमारे साथ चमेली रॉय जी कनेक्टेड थी, और उन्होंने कैसे कैश कलेक्शन सुविधा के द्वारा वो महीने 35,000 आसानी से कमा लेती हैं, अपनी यानी कि राजस्थान के गांव में वो सर्विसेज देती हैं, स्पेशली कैश कलेक्शन सुविधा का इस्तेमाल करते हुए वे वहां के लोगों को बहुत सी सुविधाएं दे रही हैं, साथ साथ AETS यानी कि आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम और मनी ट्रांसफर सर्विस और रेलवे टिकट बुकिंग की सर्विसेज भी वो लोगों को दे रही हैं। स्पाइस मनी की एक ID लेकर वो अपने क्षेत्र के लोगों को ये सारी सुविधाएं देते हुए अपनी आमदनी और अपने आप भी एक इंडिपेंडेंट नारी अधिकारी है। तो बहुत ही बहुत शुक्रिया मैम चमेली जी, आप हमारे साथ कनेक्ट हुए। थैंक यू सो मच, आप हमसे कनेक्ट हुए, आपकी आवाज हम औरों तक जरूर पहुंचाएंगे, और ऐसे ही स्पाइस मनी पर विश्वास बनाए रखें मैम। आपसे दोबारा बात शीघ्र ही करेंगे। स्पाइस का आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू सो मच।